सही मुस्लिम की हदीस किताबु सला में हदीस नंबर 385 कि उसके अंदर यह कहा गया कि अगर मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर और पूरी अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह हय्य अल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में यह कहा कि जिसने भी कहा जब मुअज्जिन ने ऐसा बोल दिया और मुअज्जिन के अजान का जिसने भी जवाब दिया अलबत्ता हय्य अल सलाह और हय्य अल फलाह की जगह पे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मिन कल्बिही दखल अल जन्ना सही मुस्लिम के हदीस है। इसका तर्जुमा यह है नाजरीन कि जो दिल से कहा जन्नत में दाखिल हो गया, जो दिल से जवाब देता है वो जन्नत पक्की पक्की उसके लिए, यानी पल्लू 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 जन्नत सही करे बिल्कुल, यानी जन्नत तैयार है बन ठनकर, बस जन्नती लोगों का इंतजार है और छोटी छोटी चीजें हैं हम और आप आराम से जन्नत में जा सकते हैं। तो फजाइल आमाल जो अपनी सीरीज है यही छोटे छोटे आमाल पर लोगों को उभारा जा रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना, जैसे मुअज्जिन साहब कहे वैसे ही बोलने का, हय अला सलाह हय अल फलाह की जगह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और उसके बाद दिल से बोल दिया जन्नत पक्की। तो इसलिए नाजरीन से हम दरख्वास्त करेंगे कि मुअज्जिन जैसा कहता है प्लीज आप वैसा कहें तो जन्नत पक्की है। अगर हम बातें कर रहे हैं हाँ, मजा हो रही है जी, रुक जाएं और जवाब दें। कितने लोग ऐसे भी हैं नहीं रुकते हैं, आप देखिए कहीं कहीं पर गाना बज रहा है तो बजते ही रहता है, कहीं कहीं लोग एहतराम ही नहीं करते हैं और कहीं कहीं पर कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एहतराम भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी अजान का एहतराम करते हैं, आपने सुना भी होगा।